अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अंशर आलम और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्विचेस के जो कनेक्शंस होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ये हमारे पास अभी तीन स्विच हैं। सबसे पहले ये जी वाटर हीटर है, उसके बाद ये एक थ्री गैंग स्विच है और एक वन गैंग वन वे स्विच है। अभी ये टोटल हमारे पास थ्री स्विचेस हैं। अभी हम आप लोगों को इनके कनेक्शन के बारे में बता देंगे कि इनके कनेक्शन कैसे करने हैं। सबसे पहले जो अर्थिंग आती है वो आप लोगों ने बॉडी में लगानी है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्विच में अर्थिंग का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं दिया गया है। ये वन गेम वन वे स्विच है, देखें वन गेम वन वे स्विच, तो इसमें अर्थिंग का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। अर्थिंग आप लोगों ने ले आके इसमें लगानी है और फिर ये अर्थिंग का स्क्रू टाइट करना है। उसके बाद इसमें तीन वायर है ये स्विच में, वन गेम वन वे, ये दो मेन है और ये हाफ है। जो मेन होगा वो एल पे लगाना है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता होगा ये एल है और ये वन है। ये देखें ये वन है जी, वन है, तो वन हमारा हाफ है और एल जो है वो हमारे दो मेन है, एक डी बी से यहाँ पे आया हुआ है और दूसरा यहाँ से दूसरे स्विच में गया हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे वन गे वन वे स्विच। आप इसका कनेक्शन आप लोगों ने कुछ इस तरीके से करना है। उसके बाद जी ये थ्री गे वन वे स्विच है, अभी इसका बताता हूँ आपको। इसमें ये देखें तीन हाफ है, एक दो तीन हाफ है और ये मेन है। मेन के साथ हम लोगों ने एक जंपर लगाया हुआ है और फिर यहाँ पे एक जंपर फिर दूसरे टर्मिनल पे, ये देखेंगे जंपर्स लगे हुए हैं। और ये थ्री गैंग स्विच है, वन टू थ्री, थ्री गैंग वन वे स्विच है। इसकी भी अर्थिंग आप लोगों ने ब्रेक बॉक्स जी आई बॉडी में लगानी है। थ्री गैंग वन वे स्विच, वन गैंग वन वे स्विच। और ये वाटर हीटर है, 20 एम्पीयर का है। वाटर हीटर का जो ब्रेकर होता है वो 20 एम्पीयर का होता है। इसमें आप लोगों को ये देखें एक दो तीन चार वायर हैं और दो इंडिकेटर की हैं और दो अर्थिंग के हैं। अर्थिंग सबसे पहले बॉडी में दिए और बॉडी से फिर स्विच में लूप दिया गया, ये देखें। और इसमें आप लोगों ने जो डी बी से जो वायर आती है वो आप लोगों ने यहाँ पर नीचे टर्मिनल में एन वन आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक नंबर दिया गया है। यहाँ पर आपने एक नंबर के ऊपर जो डी बी से फेज और न्यूट्रल आ रहा है वो लगाना है, और दो नंबर पे जो दूसरा है जिसमें हम लोग यहाँ पे जो डी बी सी आ रहा है उसमें हम लोगों ने एक मार्किंग करके रखा था, और जो आउट गोइंग जा रहा है उस पर मार्किंग नहीं, वो आप लोगों ने हमेशा एन टू एल टू में लगाना है। एन वन एल एन वन और एल वन जो है वो मेन है डी बी सी आ रहा है, और एल टू और एन टू जो है वो आउट गोइंग जा रहा है यहाँ से हमारा वाटर हीटर में। और ये इंडिकेटर लाइट है, ये देखें, ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, मतलब जो आउट जा रहा है उसके साथ, एक न्यूट्रल के साथ, न्यूट्रल के साथ और दूसरा फेस के साथ। तो इस तरीके से आप लोगों ने वाटर हीटर का कनेक्शन करना है। इसका जो ब्रेकर होता है 20 एम्पीयर का होता है, और इसका 10 एम्पीयर का, और इसका भी 10 एम्पीयर का। तो ये स्विचेस के कनेक्शंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी। अभी हम इसको बंद करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसको बंद कैसे किया जाता है। तो अभी हम इसका जो है वो बंद कर देंगे कवर, और यहाँ पर हम 3.5 का जो है वो 3.5 एमएम का स्क्रू लगाएंगे और टेस्टर से जो है वो माइनस से इसको स्क्रू टाइट करके फुल बंद कर देंगे। दोनों तरफ से बंद करके जब तीनों लग जाएंगे तो फिर इसको हम लेवल करेंगे। इसका लॉक यहाँ से आप लोगों ने खोलना है जो पहले लगा हुआ होता है, और M3.5 के स्क्रू इसके लिए भी यूज़ करेंगे।
अभी इसका लेवल करेंगे स्पीड लेवल लगा के, और तीनों का एक साथ करेंगे। जब स्पीड लेवल कंप्लीट होगा तो फिर इसके जो बटन का ऊपर कवर है वो लगा देंगे। लेवल करने के लिए थोड़ा सा लूज रखा जाता है ताकि जब लेवल होगा तो फिर हम इसका स्क्रू फुल टाइट करते हैं। ये देखें जी, अभी इसका लेवल जो है वो कंप्लीट है। लेवल आप लोगों को नज़र आ रहा है फुल सेंटर पे। ये जो लाइंस हैं इनके अंदर होना चाहिए, बाहर होगा तो वो लेवल नहीं होता है। ये देखें जी, अभी इसका लेवलिंग कंप्लीट है। अभी हम इसका कवर लगा देते हैं, वन गैंग थ्री गैंग और वाटर हीटर का। एक थ्री गैंग का आ गया और अब वाटर हीटर का रह गया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया।